फ्रॉम द बिग बैंग। क्या कभी आपने सोचा है कि आज हम जिस जगह जिस प्लैनेट पर रहते हैं वो कैसे बनी, कैसे वो अपने वजूद में आई? शायद हाँ या फिर शायद ना, पर कुछ सालों पहले कुछ वैज्ञानिकों ने इस बारे में सोचा। उन्होंने देखा कि हमारी यूनिवर्स फैल रही है और इन्हीं स्टडीज के कारण उन्होंने साल 1929 में द बिग बैंग थ्योरी को सामने रखा। और जिस साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को सामने रखा उसका नाम था एडविन हबल, जिसके नाम से द हबल टेलीस्कोप का नाम रखा गया है, जो कि हमारे यूनिवर्स में समय के पीछे देखने में हमारी मदद करती है। तो क्या है ये द बिग बैंग थ्योरी जिसने 20th सेंचुरी की उस साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक को इतना फेमस कर दिया? ये जानने के लिए हमें वक्त के पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं उस समय में जहाँ इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, यानी कि आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले। तो द बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि 13.8 बिलियन साल पहले हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, और उसी समय द बिग बैंग थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक एक्सप्लोजन से हुई, जैसे कि मैटर, एंटी मैटर और अलग अलग केमिकल एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन की निर्मिति हुई। पर मैटर और एंटी मैटर दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट थे, जिसका मतलब है जब दोनों एक दूसरे से टकराते तब दोनों ही एक एक्सप्लोजन के साथ नष्ट हो जाते थे। पर अच्छी बात ये थी कि यूनिवर्स में एंटी मैटर से ज्यादा मैटर थे, जिसकी वजह से उन मैटर और एंटी मैटर के महाविस्फोटक यानी कि बिग एक्सप्लोजन के बाद कुछ मैटर बच गए, और इन्हीं मैटर से बनी है हमारी वो दुनिया जिसे हम आज देखते हैं और जिसे हम आज रहते हैं। तो जब सिर्फ मैटर बच गए तब कुछ लाखों सालों तक ये यूनिवर्स किसी आग के गोले के जैसी तपता रहा, पर धीरे धीरे वो ठंडा होने लगा और बड़े बड़े रॉक्स बनने लगे। और ये याद जरूर रखिएगा कि इस समय तक तारे भी अस्तित्व में आ चुके थे, जो कि गैस के बड़े बड़े बादलों से बनते थे। तो जैसे ही ब्रह्मांड ठंडा होना शुरू हुआ था तो बड़े बड़े बॉडीज जैसे एस्टेरॉइड्स, छोटे छोटे प्लैनेट्स, कॉमेट्स और स्टार्स बनने शुरू हुए, और उन्हीं कुछ स्टार्स के बीच थे सूरज, चांद और हमारी प्यारी पृथ्वी। तो शुरुआती दिनों में पृथ्वी बस एक बहुत गर्म चट्टान के गोले जैसी थी, न उसके पास पानी था, न हवा और न ही प्रॉपर एटमॉस्फेयर, यानी कि शुरुआती दिनों में पृथ्वी जीवन जीने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया पृथ्वी ठंडी होती गई और वहां पानी, हवा और वातावरण बनता गया, और करीब 3.77 बिलियन साल पहले इस धरती पर पहली बार जीवन जिया जा सके ऐसी प्रॉपर सिचुएशन आई। जो पहले जीव पृथ्वी पर पाए गए वो एक्वाटिक यानी पानी में रहने वाले थे, पर धीरे धीरे वक्त के साथ लाइफ साइकिल चलने लगी और इस धरती पर एक सभ्यता की शुरुआत हुई, और समय के साथ साथ ये धरती वैसी बन गई जैसे आज हम उसे देख रहे हैं। हाउ अर्थ हैज बिकम सस्टेनेबल फॉर लाइफ, जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा बिग बैंग थ्योरी क्या है और इस पृथ्वी की निर्मिति कैसे हुई। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये पृथ्वी हम मनुष्यों के रहने लायक कैसे बनी। माना जाता है कि निर्मिति से लेके आज तक हम बेहतर से बेहतर की ओर ही आते गए हैं। अत्यधिक कीमती कण जिनके कारण हम धरती पर सुकून से जीते हैं। पहला, धरती पर रोशनी का महत्व। धरती एक ऐसा गोला है जहाँ जीने के लिए सन रेज की बहुत जरूरत होती है। इस रोशनी से जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो हमारे जीवन को पूर्णत्व की तरफ ले जाती है। एक पौधा उस एनर्जी को यूज करके फोटोसिंथेसिस अर्थ खुद के जीवन के लिए उपयुक्त चीजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बाद पेड़ पौधों से ऑक्सीजन निकलता है जिसे हम सांस लेते हैं। मतलब अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हम ऑक्सीजन भी नहीं मिलती, और ये सब हो रहा है रोशनी की वजह से। दूसरा, वायुमंडल का महत्व। हमारे गोले के बाहर गैस की कई लेयर्स होती हैं जिसके विचित्र नाम भी हैं और उनके विचित्र उपयोग भी हैं, जैसे एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। एटमोस्फीयर में जो वायु की मात्रा है और वायु के दबाव है वो जीव जंतुओं के जीने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे धरती पर बहुत ही कम है दूसरे प्लैनेट्स की तुलना में, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, या कहो कि जितनी चाहिए उतनी है,
मतलब है कि इस एटमॉस्फेयर की वजह से ऑक्सीजन है और जहां ऑक्सीजन है वहां मानव के लिए रहने योग्य जगह है। कार्बन डाइऑक्साइड जिस मात्रा में हम छोड़ते हैं वही मात्रा के कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अपनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए यूज कर लेते हैं और उसी मात्रा की ऑक्सीजन छोड़ते हैं ताकि हम उसके जरिए सांस ले सके। तीसरा, ओजोन लेयर का महत्व। ये एक ऐसी लेयर है जो एटमॉस्फेयर का ही एक अंग है। ये स्ट्रेटोस्फीयर के परत यानी लेयर में लोकेटेड है जो हम प्राणियों की रक्षा करता है सूरज की हानिकारक किरणों से। इसकी वजह से हमारी त्वचा सुरक्षित है वरना उन खतरनाक किरणों से हम जल भी सकते हैं। पर इन दिनों में वहां कुछ छेद पाए गए थे जो धीरे धीरे भर रहे हैं। चौथा, जीने के लिए उपयुक्त जलवायु। पहले धरती एक बर्फ का गोला था पर धीरे धीरे से तापमान बढ़ता गया और बर्फ गल के उसको पानी की ओर ले गया। धरती में उपयुक्त जलवायु है जो जीवन जीने के लिए एकदम सही है क्योंकि इसमें कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हानिकारक गैस बहुत ही कम मात्रा में रहती है। अगर कोई हानिकारक वायु चले भी आती है तो धरती उन्हें शुद्ध कर देती है। मर्क्यूरी नामक एक प्लैनेट है जिसका तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से 375 तक होता है और उस तापमान में सिर्फ पानी मिल सकता है और बाकी सब गोले में तापमान मर्क्यूरी की तुलना में बहुत ज्यादा है। मार्स में 25 डिग्री सेल्सियस से -140 तक घट सकता है पर धरती का तापमान का संतुलन बिल्कुल सही और काफी है जीने के लिए। पांचवा, पानी का महत्व। पानी जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घातक है। तभी तो कहते हैं जल ही जीवन है क्योंकि पानी में हाइड्रोजन की दो मात्राओं संग एक ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तभी तो पानी का केमिकल फॉर्मूला ही H2O है। समंदर के पानी में नमक सोडियम क्लोराइड ज्यादा मात्रा में होता है वहीं नदियों तथा कुओं के पानी में हल्का मीठापन होता है क्योंकि नदियों के आसपास पेड़ पौधों के कारण ऑक्सीजन की मात्रा जितनी चाहे उतनी होती। पानी के बहुत सोर्सेस होते हैं जैसे कि तालाब नदियां कुआं। इस धरती का 75% भाग पानी से भरा हुआ है। छठवां, धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स। कभी हमने सोचा है कि पानी ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, हवा में क्यों नहीं बहता, हम जमीन पर चलते कैसे हैं, हवा में क्यों नहीं उड़ सकते? इन सवालों का जवाब है धरती की आकर्षण क्षमता। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी हमारी पृथ्वी को अट्रैक्ट करता है। टोपोग्राफी के सारे चीजों को अट्रैक्ट करते रहता है। अ ब्रीफ अबाउट क्रिएचर्स लिव्ड इन द पास्ट एंड देयर एक्सटिंक्शन। अब तक मौजूद सभी स्पीशीज में से 99% से ज्यादा विलुप्त हो चुके हैं। कुछ मानने जाते हैं जैसे कि प्रसिद्ध डायनासोर, टायरानोसॉरस, डोरो, नाव उड़ने वाला पक्षी बोर, सफेद टूथ टाइगर, और इसे साफ दिखाई देता है कि प्रकृति ने अधिक सुंदर और सबसे शानदार जीवन के रूप का विनाश जारी रखा है। लेकिन जैसे कि जीवन में अधिक सुंदर और सबसे शानदार रूपों को खत्म करना जारी रखा है, विलुप्त होने ने हमारे ग्रह के बायोटा के रूप में लगातार पूर्ण रूपधान के रूप में विकास के साथ खिलवाड़ किया है। पहला, ब्रैम्बल के मेल्यूम्स। इन छोटे जीवों को 2015 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा 2015 में आधिकारिक तौर पर एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। ग्रेट बैरियर रीफ के उत्तरी हिस्से के पास एक छोटे से द्वीप ब्रैम्बल के मूल निवासी थे यांगत्से रिवर डॉल्फिन। इस डॉल्फिन की प्रजाति को बैजी के नाम से भी जाना जाता है। यांगत्से रिवर डॉल्फिन की आखिरी बार 2002 में देखा गया था। चार साल बाद इन्वेस्टिगेटर्स को एक टीम ने यांगत्से रिवर के 200 मील के डिस्टेंस पर ये देखने के लिए कि क्या वे एक का पता लगा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। व्हाइट एंड डॉल्फिन कंजर्वेशन ग्रुप आर्थेट WDC के अनुसार बैजी मनुष्य के कारण विलुप्त होने वाली पहली डॉल्फिन प्रजाति है। विलुप्त होने के कारण अतिवृष्टि, प्रदूषण, निवास स्थान का नुकसान, इलीगल हंटिंग और शिप ट्रांसपोर्टेशन है। तीसरा, उत्तरी सफेद गेंदा। अंतिम दो जीवित उत्तरी सफेद रेनों के अस्तित्व दोनों के साथ होता है क्योंकि अंतिम
पुरुष मार्च 2018 में मर गया था। सुदान 45 वर्षीय पुरुष केन्या के ओआई पेजेटा कंजर्वेसी में अहमद रक्षक के अधीन का विलुप्त होने का कारण अवैध अशिकार ने गेंदों की इस प्रजाति की आबादी को कम कर दिया है और निवास के नुकसान से भी इनको विलुप्त होने का कागार पर पहुंचा दिया है। चौथा, स्कॉम्बियो बर्ग हिरन। स्कॉम्बियो बर्ग हिरन थाईलैंड के मूल निवासी थे और उनका नाम जर्मन मूल के खोजकर्ता सर रॉबर्ट एस स्कॉम्बर्ग के नाम पर रखा गया था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जंगल में इन हिरणों में से कुछ अभी तक हो सकता है, हालांकि उन्हें आधिकारिक तौर पर 2006 में विलुप्त घोषित कर दिया था। अंतिम रूप से जाने हुए हिरण को 1938 में कैद में मार दिया गया था। विलुप्त होने के कारण मनुष्यों के अलावा स्कॉम्बी बर्ग हिरण का शिकार देसी लकाड़ बग्घों और लेपर्ड्स द्वारा किया गया था। आज हम केवल एक हॉर्स डियर के सर के बारे में जानते हैं जो पेरिस के म्यूजियम में रहता है। इवोल्यूशन ऑफ मैन फ्रॉम स्क्रैच। इवोल्यूशन ऑफ मैन मींस मानव का कार्मिक विकास। मानव के जन्म इस पृथ्वी पर कब, कैसे और किन हालातों में हुआ, इसकी खोज जारी है। अभी तक यही पता चला है कि करीब 340 लाख साल पहले पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मानव के पूर्वज बंदरों की एक प्रजाति का हिस्सा थे जिन्होंने समय के साथ मानव रूप लिया। हमें उनके बारे में जानकारी उनके फॉसिल्स, पत्थर के औजार यानी टूल्स, गुफाओं के चित्रकारी से मिलती है। सबसे पहले पूर्व एशिया अफ्रीका में प्राइमेट नाम के जीव की खोज हुई थी। उसके बाद उनका विकास हुआ और होमिनिड नामक जीव की खोज हुई। उनके बाद होमिनॉइड्स की खोज हुई। होमिनॉइड्स और होमिनीड में कई सिमिलैरिटीज देखी गई। सूत्रों के हिसाब से होमिनीडो का जन्म अफ्रीका में हुआ था। होमिनॉइड्स आधुनिक मानव की तरह दो पैरों पर चलते थे और होमिनॉइड्स दोनों हाथ और पैर का यूज करते थे। होमिनीडोस कई तरह के होते थे जैसे ऑस्ट्रोपाइथेकस अफ्रेंसिस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नीदरथैलेंसिस एंड होमो सेपियंस। समय के साथ साथ इन प्रजातियों में मानव रूप के जैसे विकास होता गया। एक मनुष्य उसे कहा जाता है जो होमो का हो। होमो की कई प्रजाति होती है जैसे होमो हैबिलिस, होमो रोडन फेलनेंसिस, होमो रेक्टस एंड होमो सेपियंस। प्राचीन काल के मानव को कई तरह की कलाएं आती थी जैसे कि पत्थर से आग जलाना, शस्त्र बनाना, शिकार करना, चित्र बनाना, दीवारों पर कारीगरी करना आदि। आज मनुष्य हर काम करने में सक्षम है। उसने आज नए नए आविष्कार किए हैं, नए नए इन्वेंशन किए हैं जैसे कि लाइट, टेक्निक्स और मेडिसिन। आज वो अपने मनोरंजन के लिए भी सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, टेलीविजन, टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकता है। अब मानव जीव पर डिपेंड नहीं है अपने खाने के लिए, लेकिन खुद अपना खाना उगा भी सकता है। उसने अपने रहने के लिए जगह भी निश्चित कर ली है और वो अपने लिए ऊंची से ऊंची इमारतें बना उनमें रहता है। मनुष्य ने अपने लिए गाड़ियों, हवाई जहाजों, नाव का भी आविष्कार किया है ताकि वो कम से कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ऐसे कई काउंटलेस इन्वेंशंस करने के बाद अभी भी अपनी और बाकी मनुष्यों की जिंदगी सुखी और सुविधा पूर्वक बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। इस युग में मनुष्य चांद पर भी पहुंच गया है और अंतरिक्ष में जीवन की खोज कर रहा है। साथ ही साथ पृथ्वी के लिए अलग अलग रहस्यों की खोज में लगा हुआ है। मनुष्य का बहुत विकास हो चुका है और अब वो इंडिपेंडेंट है। बीतते समय के साथ मनुष्य और तरक्की करेगा एवं नए नए आविष्कार करेगा जो उसकी सुख सुविधा के लिए बेहतर होगा। मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसने पृथ्वी के पूरे नक्शे को ही बदल डाला है और इसे एक अलग ही दिशा दी है। साइंटिस्ट हु ट्राइड टू एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी जो आज हमारे ब्रह्मांड में बस एक लौती ऐसी प्लैनेट है जहां जीवन बिना किसी आर्टिफिशियल सपोर्ट के पैदा हो सकता है, और यही एक बात पृथ्वी को सबसे खास बनाती है। जीवन की शुरुआत धरती पर लगभग 3.77 बिलियन साल पहले हुई थी और तभी से हर एक जीव विकसित हो रहे हैं। पर ये इवोल्यूशन वाली थ्योरी साल 1859 के पहले तक नहीं थी। तो जिस साइंटिस्ट ने इस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को सामने रखा उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। वही पहले ऐसे व्यक्ति थे
जिन्होंने इवोल्यूशन को समझा और उसे दुनिया के सामने रखा। तो क्या है ये इवोल्यूशन? चलिए इवोल्यूशन को डार्विन के 20 साल के लंबे सफर से समझते हैं। तो साल था 1831 और महीना था दिसंबर का, जब 22 साल के चार्ल्स डार्विन ने अपने सफर को शुरू किया। दुनिया को जानने के लिए उन्होंने अपने सफर एक जहाज से, और वो ज्यादातर सदर्न अमेरिका में ही सफर कर रहे थे और वहां के जीव जंतु को एक्सप्लोर कर रहे थे। उनकी इस एक्सप्लोरेशन ने उन्हें साउथ अमेरिका के कुछ आइलैंड में पहुंचाया और उन आइलैंड्स में उन्होंने जो देखा उनसे वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि हर एक आइलैंड में जो जीव था वो अलग अलग रूप में पड़ रहे थे और उनका शारीरिक रूप उस आइलैंड के एनवायरमेंट के मद्देनजर रखते हुए चेंज हो रहा था और उन सभी का फिजिकल रूप किसी अस्थायिक प्राणी को दर्शाता था। उन्होंने इस विषय पर अपनी अध्ययन किया और वे ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर जानवर किसी दूसरे पौराणिक जीव से विकसित हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम इंसान भी किसी पौराणिक जीव से ही विकसित हुए हैं। और इसी सोच ने हमें दिया एक कंप्लीट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जहां इंसान अपेस के साथ ही सबसे ज्यादा में खाते थे। पर इस इवोल्यूशन को चर्च, जो कि तब की सरकार थी, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। पर वक्त की हमेशा जीत होती है और साल 1950, जो करीबन 100 साल के बाद था, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को माना गया। और आज उसी द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की वजह से बायोलॉजी की फील्ड इतनी ग्रो हो चुकी है, चाहे वो अलग अलग दवाइयों के मामले में हो या हमारे इतिहास को जानने के मामले में हो। डार्विन वॉयज, शिप सेल अक्रॉस द वर्ल्ड, जीवों को क्रामिक विकास का सिद्धांत देने वाले चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की हम बात करते हैं, क्योंकि अगर हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ हद तक डार्विन के बारे में बात करना बनता है। डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को और उनकी माँ का नाम था सुसाना। डार्विन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि बचपन से ही उनको कीट पतंगों, कीड़ों में रुचि थी। वो मरे हुए और जिंदा कीड़ों को जमा करते थे। कीट पतंगों के अलावा भी डार्विन के खनिज पदार्थों, तत्व, रासायनिक शास्त्र में भी रुचि थी। डार्विन 22 साल के थे, उन्होंने बीगल नाम के एक जगह में अपने सफर शुरू किया। डार्विन 5 साल तक वर्ल्ड टूर करते रहे। इसी दौरान उन्होंने बहुत से द्वीपों और देशों में भ्रमण किया। 5 साल तक विश्व में अलग अलग जगहों पर अपने इस ऑब्जर्वेशन ने जारी रखा और इसी अभ्यास या कहिए निरीक्षण का फल था द डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और उन्होंने इसे विश्व भ्रमण से आने के बाद इसी थ्योरी के अर्थात सिद्धांत के ऊपर आधारित एक किताब लिखी, द ऑर्गेन ऑफ स्पेशीज, जिसने जीव शास्त्र अर्थात बायोलॉजी की तरफ देखने की लोगों के नजरिए को बदल दी। इस किताब ने डार्विन ने थ्योरी मतलब सिद्धांत दिया कि ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन के कारण है नेचुरल सिलेक्शन। इसलिए इस थ्योरी सिद्धांत का डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस थ्योरी के अनुसार जो जीव ऑर्गेनिज्म अपने नैसर्गिक वातावरण के लिए औकल्पित होते हैं, उन्हें चिन्ह के लिए ये नेचर यानी नैसर्ग ही उनका विकास इवोल्यूशन करता है। इसी तरह ये जीव अपनी विशेषताओं को अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए पास ऑन करते हैं। चलिए अब मैं आपको डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के निरीक्षण के बारे में बताती हूँ। पहला, किसी भी आबादी के भीतर एक प्राकृतिक भिन्नता है। ठीक वैसे ही कुछ व्यक्तियों में दूसरों की तुलना में अनुकूल विविधताएं होती है। विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज अ नेचुरल वेरिएशन, सम इंडिविजुअल हैव फेवरेबल वेरिएशन देन अदर्स। दूसरा, संघर्षपूर्ण अस्तित्व जीव व्यक्तियों को समाप्त कर देता है। अनुकूल विविधताओं से युक्त ही व्यक्ति जीवित रहता है और प्रजातियां रखते हैं। इसे प्राकृतिक चयन अर्थात युग्मतम का अस्तित्व कहा जाता है। द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एलिमिनेट्स द अनफिट इंडिविजुअल, द फिट इंडिविजुअल पोजेसिंग फेवरेबल वेरिएशन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस द कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन सर्वाइव द फिटेस्ट। तीसरा, जिन व्यक्तियों में अनुकूल विविधताएं होती हैं वो इन विविधताओं को अपनी पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक बढ़ाते हैं। द इंडिविजुअल हैविंग फेवरेबल वेरिएशन पास ऑन दिस वेरिएशंस टू देयर प्रोग्रेसिव फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। चौथा, बहुत ज्यादा देर तक रहने पर ये विविधताएं नई प्रजाति के कारण बनती है।
These variations were accumulated over a long period of time, lead to origin of new species. चार्ल्स डार्विन के जीवों के कार्मिक विकास के सिद्धांत में उपयुक्त चार मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं।